हे एवरीवान माई नेम इज स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स वेलकम एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिक्सथ चैप्टर ऑफ अर अड विद द सन बुक विच इज द सप्लीमेंट्री रीडर ऑफ अर सिक्स ग्रेड एंड वॉट इज द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू रीड टूडे वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट टॉक्स अबाउट स्लीप हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में अब नींद तो सबको बहुत आती है भयंकर आती है लेकिन ये नींद में ऐसी क्या खास बात होती है मतलब हमें नींद के बारे में सिर्फ इतना पता है कि सोने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या होता होता है हम जितने अभी एक्टिव हैं उतने एक्टिव तो नहीं होते तो उस वक्त हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी अपने आप को एक तरीके से रिपेयरिंग प्रोसेस चल रहा होता है उसका सो आज हम इस चैप्टर के थ्रू स्लीप के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर सो बिफोर यू रीड Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. We dream while sleeping, but we do not always remember our dreams. And during sleep, our heartbeat, heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure go down. So, this we are going to see further. To the chapter main points. the chapter interesting. Kya so let's begin. We know enough about what sleep is. दो वी डोंट नो what एग्जैक्टली exactly कॉज sleep, स्लीप हमें स्लीप के बारे में बहुत पता है हम थक जाते हैं तो हमें नींद आ जाती है अगर हम दो तीन दिन नहीं सोते तो हम बावले हो जाते हैं हमें अजीब अजीब से बातें करने लग जाते हैं हमको कुछ कुछ देखना लग जाता है तो अगर तीन दिन तक कोई इंसान नहीं सोए ना तो वो तो उसको हेलिसनेशन होने लग जाता है मतलब वो इमेजिन कर सकता है चीज़ों को क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसको रिलैक्स होने का टाइम चाहिए तो हमें यह तो पता है कि स्लीप क्या होती है लेकिन स्लीप क्यों आती है क्या स्लीप का कॉज क्या है ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट सो स्लीप को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट जो एक स्टेट होती है एक अवस्था होती है जिसमें आप रेस्ट कर रहे होते हो एन अनकॉन्शियस रेस्ट एन अनकॉन्शियस रेस्ट का जैसे अगर मैं सोफे पे बैठी हुई हूं couch पे बैठी हुई हूं तो भी मैं रेस्ट कर रही हूं ठीक है अगर मैं सीढ़ियों पर बैठी हुई हूँ मस्त बारिश देख रही हूँ तो भी मैं रेस्ट कर रही हूँ लेकिन स्लीप क्या है ये एक अनकॉन्शियस रेस्ट है अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है नॉट अवे कैंड अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्डिंग टू वंस एनवायरमेंट जिसमें आप नहीं आपको कोई आप जागे हुए नहीं हो आपको नहीं पता आपके आसपास क्या चल रहा है जब आप कभी सो रहे होते हो तो जितना टाइम आप सोते हो वो टाइम आपकी लाइफ से गया आपको नहीं पता उस टाइम पे क्या हो रहा था आपके आसपास आपको कुछ नहीं पता सो so, आप उस वक्त अनकॉन्शियस रहते हो कॉन्शियस मतलब आप मतलब आपको नहीं पता उस वक्त क्या हो रहा था आपके आसपास सो वेन वी स्लीप आर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कॉस्ट बाय द डेज एक्टिविटीज तो जब हम सोते हैं हम एक दिन में बहुत सारे काम करते हैं चलते हैं फिरते हैं बैठते हैं उठते हैं खेलते हैं पढ़ाई करते हैं खाते हैं वॉशरूम जाते हैं हर तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी भी तो टायर्ड हो जाती है ना जब हम इतना इतना सारा क्रिकेट खेल के आते हैं फुटबॉल खेल के आते हैं हम मूवीज़ देखते हैं कार्टून्स देखते हैं तो हमारी आइस भी थक जाती है इतनी सारी बातें करते हैं तो हमारा मुंह थक जाता है हमारे कान थक जाते हैं हमारे हाथ पैर सब थक जाते हैं सो so, जब हम सोते हैं सो so हमारी बॉडी रिकवर्स रिकवर का मतलब क्या होता है रिटर्न टू अ नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ माइंड और स्ट्रेंथ मतलब वापस से उसको एनर्जी मिलती है वो रिकवर होती है मतलब जितनी वो थक गई है वो वापस से रेजुवनेट होती है फ्रॉम फटीग अब फटीग क्या होता है जब हम बहुत टायर्डनेस जो हो जाती है ना जैसे आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करी है तो आपको जितना टायर्ड फील होता है उसे बोलते हैं हम फटीग तो उस फटीग से वो रिकवर करती है कॉस बाय द डेज एक्टिविटीज अब ये फटीग कहाँ से आता है जो आपने पूरे दिन भर में जो भी काम किए हैं जो भी एक्टिविटीज की है उससे जो फटीग पूरा आ जाता है जैसे कभी कभी ज़रूरी नहीं आपने काम किया हो आप बैठे बैठे अगर टीवी भी देख रहे हो तो आपकी आंखों में तो स्ट्रेन आ रहा है ईयर्स में स्ट्रेन आ रहा है आपका दिमाग चल रहा है आपके दिमाग को भी तो रिलैक्सेशन चाहिए कभी कभी वी आर नॉट वेल तो हम क्या करते हैं हम सो जाते हैं सो दैट हमारी बॉडी जो है उस वक्त जल्दी जल्दी हमें ठीक कर सकती है आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन और जब हमें एक बहुत अच्छी नींद मिलती है जिसमें हमारी बॉडी वापस रिकवर हो जाती है तो हम क्या होते हैं हम वापस अलर्ट हो जाते हैं मतलब वी आर अगेन रेडी फॉर द नेक्स्ट डे वापस वो सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं वी आर अलर्ट एंड एक्टिव अगेन रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं हम सब करने के लिए वापस रेडी हो जाते हैं जस्ट इमेजिन मस्त तो खूब सारा क्रिकेट खेल रहा तीन घंटे चार घंटे फिर वापस आ गए एंड दे इज नो नींद फिर हमने खेला तो थर्ड डे खेल क्रिकेट खेलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहेगी थर्ड डे के अगर सेकेंड डे भी अगर आप बिल्कुल नहीं सोए तो आपके अंदर खेलने की कोई हिम्मत ही नहीं रहेगी वेन वी अप इन द मॉर्निंग इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर वॉट हैपन वेन वी वर स्लीप अच्छा हम बहुत सारे सपने देखते हैं लेकिन कभी कभी हम सपने देखते हैं लेकिन जब हम उठते हैं ना हमें याद नहीं रहते और कितनी बार तो ऐसा होता है हमने सपना देखा भी होगा लेकिन हमें यह भी याद नहीं रहता कि शायद हमने कोई सपना देखा था सो वेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग जब हम सुबह उठते हैं इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर दस टू रिमेंबर वॉट हैपन वेन वी वर स्लीप तुम्हें पता होता है कि जब तुम सो रहे थे तो रात में क्या हुआ कितने कोई माउस आया तुम्हारे पास में या कुछ हुआ कोई गया किसने क्या बात की होगी नहीं कुछ नहीं पता होता क्योंकि हम टोटली अनकॉन्शियस होते हैं उस टाइम पे वी मे रिमेंबर अर ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस हो सकता है हमने एक आध सपना देखा हो जो हमें याद हो कभी कभी तो बड़े ही वियर्ड से सपने आते हैं अजीब से सपने आते हैं जिनके कोई हाथ पैरे नहीं होते हैं लेकिन कभी कभी कुछ सपने याद रहते हैं लेकिन सपनों के अलावा एवरी थिंग इज लाइक अ डार्कनेस मतलब जहाँ पे आपको जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक अंधेरा है आपको कुछ नहीं पता उस वक्त क्या हुआ सेवरल थिंग्स हैपन टू आर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग अब जब हम सो रहे होते हैं ना हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप मतलब जैसे हम सोते हैं तो एकदम से गहरी नींद नहीं लग जाती है लेकिन जैसे जैसे हम सिंक डीपर मतलब गहरी नींद लगती जाती है और मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर हमारी जो मसल्स होती हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाती है अच्छा जितने भी लोगों के पास वो फिटबिट होता है मतलब जो फिटनेस बैंड होता है अगर आपके मम्मा के पास है या पापा के पास है या आपके पास है तो उस फिटनेस बैंड को रात में अगर हम पहनते हैं और जब हम सुबह उठते हैं वो एग्जैक्टली बता देता है हमको हम कितने आवर्स के लिए सोए थे कैसे पता चलता है उसको आप ऐसा तो नहीं है कि आप सोते टाइम हिलते नहीं हो आप सोते टाइम भी हिलते हो इधर इधर करवट लोगे उधर टर्न हो तो ये कैसे पता चलता है उस वक्त हमारी जो पूरी मसल्स होती हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाती हैं इसके अलावा आर हार्ट बीट बिकम स्लोअर हमारे जो हार्ट बीट का जो रेट है वो स्लो हो जाता है हमारी हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है जिसको उस वो नोटिस करता है वो आपका बैंड और आप उसको समझ में आ जाता है दैट राइट नाउ योर स्लीपिंग आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है इनफैक्ट जो हमारी ब्लड में जो एक प्रेशर होता है राइट right? वो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कान थिंक और एक्ट कॉन्शियसली जो हमारा ब्रेन पूरे टाइम एक्टिव रहता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है ओके सो दैट वी कान थिंक और एक्ट कॉन्शियसली ताकि जब हम सो रहे हैं ना तो हमें पूरे टाइम नहीं पता कौन चल रहा है कौन क्या हो रहा है मुझे अभी ये करना है मुझे ये उठना है नहीं एक जो गहरी नींद रहती है उसमें हमें कुछ नहीं रहता हमें कुछ कोई होश नहीं रहता तो हमारा जो ब्रेन है वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है इसलिए हम कॉन्शियसली कोई काम नहीं कर पाते बट वी ड्रीम लेकिन हम सपने देखते हैं When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. अब जब हम सो रहे हैं तो हमारा temperature body का down हुआ blood pressure down हुआ हमारी जो heart beat है उसका rate भी down हो गया और हमारा जो brain है वो भी उसका काम करने का भी जो पेस है वो कम हो जाता है जैसे ही हम उठते हैं वापस सबकी सारी चीज़ें नॉर्मल रेट पे आ जाती हैं आर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग आल्सो बिकम्स नॉर्मल एंड वी आर फुल्ली अवेक जैसे ही हम सो के उठते हैं हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाता है हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स डैट वी हैड वाइल स्लीपिंग और जब हम सो के उठते हैं तो जो हम ड्रीम्स देख रहे हैं मोस्टली हम भूल जाते हैं कभी कभी कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जैसे हमें लगता है कि हम सो भी रहे थे या वो सच था या वो सपना था हम कभी कभी हमें ड्रीम्स इतने क्लियरली याद रहते हैं और कभी कभी हमें लगता है यार मैंने कुछ तो सपना देखा था लेकिन वो याद नहीं आता वट इज अ ड्रीम इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस वेन वी आर अस्लीप ये ड्रीम होता क्या है सपने क्या होते हैं इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड यह आपकी माइंड की एक एक्टिविटी होती है जो कब कब होती है विच टेक्स प्लेस वेन वी आर स्लीप जब हम सो रहे होते हैं तब आपकी माइंड में जो एक्टिविटी होती है उसको आप कहते हो ड्रीम सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट अब ये प्रोबेबल का मतलब क्या होता है लाइकली टू हैपन और बी द केस कुछ जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल से होते हैं जैसे कि आपने ड्रीम किया कि आप स्कूल जा रहे हो या ड्रीम किया आपने कि आपके पास नई साइकिल आ गई आपने क्योंकि ये बहुत ही दे आर लाइकली टू हैपन मतलब ये हो सकते हैं मतलब मतलब जो जो हो 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 सकते हैं आप जो मान के चलते कि ये तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो हम देखते हैं जो हमें मालूम है कि हाँ ये एक्चुअल लाइफ में भी हो सकते हैं अदर्स कुड नॉट कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप देख रहे हो कि एक जो है ना आपके पास एक जिनी आ गया है या आप जो हो थानस से मिले हो या आप जो हो कोई आपके पास भी कोई एकदम जो है थॉर की तरह कोई सा वेपन आ गया है एंड आप पूरे आप वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो भाई ऐसी सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती है ना लेकिन हम सपने देखते हैं स्पेशली अगर गए थे आप एक्समैन देखने के लिए या मावेल एवेंजर्स देखने के बाद आने के बाद ऐसे ही सपने आते हैं एकदम खतरनाक 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 जिसमें ना हम ही बन जाते हैं सुपर हीरो सो so, ये वाले जो होते हैं ये एक्चुअल लाइफ से थोड़े मैच नहीं करते ड्रीम्स सीन टू बी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स अब जो ये हम सपने देखते हैं ना ये बहुत सारे रीजन्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेवरल मतलब वराइटी मतलब, ऑफ रीजन बहुत वराइटी मतलब वरीड रीजन्स बहुत सारे रीजन्स के हिसाब से देखा जाए तो सपने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज ऑल अदर डिस्टर्बेंसेज अगर हम सपना देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए हो तभी सपने आते हैं ऐसा नहीं होता कि सोए हैं मालूम है कि हमें मतलब एकदम नहीं है नींद नहीं आई है ज़्यादा लेकिन फिर भी सपना आ गया ऐसा नहीं होता अगर सपना आया इसका मतलब आप बहुत गहरी नींद में चले गए अच्छा अभी कभी ऐसा हुआ है कि सपने में आपको ऐसा लग रहा था कि किसी ने बेल डो डोर बेल बजाई या मोबाइल बज रहा जब उठे तो एक्चुअली आपने रियलाइज़ किया कि सच्ची आपके बगल में बज रहा था वो सपने में नहीं बज रहा था तो इसमें इसका क्या मतलब है सपने जो है आपको जो आपके आसपास का शोर है जो डिस्टर्बेंसेस है उनसे भी बचा लेते हैं और आपको बहुत अच्छी नींद मिल जाती है

Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems. अब जो कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ड्रीम्स के बारे में रिसर्च किया है उन्होंने क्या बोला कि ड्रीम्स कभी कभी आपको आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं कि आप किस तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो कभी कभी वो आपकी पर्सनैलिटी को रिवील करते हैं कभी कभी आप किस फेज से गुजर रहे हो उसके बारे में भी बताते हैं इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ़ दीज प्रॉब्लम्स और अगर हम अपने सपनों को सही तरीके से समझते हैं तो कभी कभी हमारे सपनों से हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता है एक तरीका जाता है जिस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बट वी मस्ट रिमेंबर एक चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने ना ये सपना देखा इसका मतलब मेरे साथ ये होने वाला है ऐसा नहीं होता आपके साथ जो ड्रीम्स है आपके वो आपका फ्यूचर कभी नहीं बताते ड्रीम्स यस yes, क्या होता है हम जिस तरीके से सब जिस तरीके के सपने देख रहे हैं उससे हमें पता चलता है हमारे माइंड में उस वक्त कैसी चीजें चल रही है कॉन्शियसली या सबकॉन्शियस सबकॉन्शियसली Sub मतलब दिमाग में कहीं हो बहुत सारी चीजें चलती हैं लेकिन हमारा एक सोया हुआ दिमाग भी होता है जिसमें हर चीज स्टोर हो जाती है एवरी थिंग डैट यू सी एवरी थिंग दैट यू हियर वो सब स्टोर हो जाता है वहां जाके कभी कभी ऐसा होता है कि वो बाहर आता है अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है आपके सपनों के थ्रू आप उसे देख सकते हो हमें लगता है कि यार कितना वियर्ड ड्रीम था जैसे अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो क्या होता है हमको एग्ज़ाम्स वाले सपने आने लग जाते हैं कि आप ना कुछ एग्ज़ाम में आप आ, पेपर लिख रहे हो लेकिन आपका पेपर छूट गया या आप पेन ही नहीं लेके गए हो या आपकी टीचर ने बोला अरे एग्ज़ाम तो कल हो गया ऐसे बहुत वियर्ड सपने आते हैं आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको वैसे सपने आते हैं सो so, आपके सपने ये बताते हैं कि उस वक्त आप किस फेज से गुजर रहे हो लेकिन वो कभी भी फ्यूचर टेलिंग नहीं करते वो आपको आपका फ्यूचर नहीं बताते This सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर वो कभी आपको फ्यूचर नहीं बता सकते स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस बट हाउ मेनी अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप स्लीप क्या है सबसे ज्यादा कॉमन एक्सपीरियंस है हर किसी को पता है नींद क्या होती है हर किसी को पता है सोना क्या होता है लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे का वंडर वंडर मतलब क्या होता है अमेजिंग चीज़ क्या है इसके पीछे की उसके पावर मतलब स्लीप के कितने पावर्स हैं क्या ये हम जानते हैं Many पोएट्स हैव रिटन beautiful पोम्स अबाउट स्लीप कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कहानियाँ लिखी हैं ड्रीम्स के बारे में कितने सारे पोएट्स हैं जिन्होंने नींद के बारे में पोम्स लिखी हुई हैं Here इज़ वन इन which द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ falling अ स्लीप अब यहाँ अब हम एक पोम पढ़ने वाले हैं जहाँ पे जो हमारे पोएट हैं उन्होंने बताया कि जब आप सो रहे होते तो उस एक्सपीरियंस को उन्होंने एक पोम के थ्रू एक्सप्लेन किया है रीड इट अलाउड तो अब हम इस पोम को पढ़ने वाले पहले इससे पहले कि हम उस पोम को पढ़ें, हमने क्या क्या समझा स्लीप के बारे में पहली चीज तो यह कि स्लीप होती क्या है क्यों होती है स्लीप जब स्लीप होती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं स्लीप क्यों रिक्वायर्ड होती है और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि ड्रीम्स क्या होते हैं और ड्रीम्स क्यों आते हैं और ड्रीम्स आने से उसके फायदे क्या होते हैं सो so, हमने बहुत नई नई चीजें जानी है आई एम श्योर आपको बड़ा मजा आया होगा चलो अब हम इस पोम को भी रीड कर लेते हैं लाइट्स आउट सो वॉट इज द नेम ऑफ द पोम लाइट्स आउट आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप मतलब अब मेरी आँखें एकदम जो है वो बंद होने लग गई है बॉर्डर्स ऑफ स्लीप मतलब मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है द अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट वेर ऑल मस्ट लूज द वे हाउ एवर स्ट्रेट और विंडिंग सुन और लेट दे कैन नॉट चूज सो द अनफैथमेबल डीप द अनफैथमेबल डीप का मतलब होता है अनफैथमेबल मतलब इनकेपेबल ऑफ बींग फुल्ली एक्सप्लोर्ड और अंडरस्टुड अन मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाते आप पूरी तरीके से जान नहीं पाते कि वो क्या है सो द अनफैथमेबल डी फॉरेस्ट So, सो नींद क्या होती है वट इज स्लीप सो हेयर द पोएट इज कंपेयरिंग स्लीप विद अन फाथमेबल डीप फॉरेस्ट कि एक बहुत ही घना सा जंगल है वो जिसमें क्या होता है आपको कुछ नहीं पता होता वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे और ये एक ऐसा घना जंगल है जहाँ पे हम हर कोई अपना रास्ता भूल जाते हैं भटक जाते हैं हाउस स्ट्रेट और वाइंडिंग ये रास्ते कितने भी सीधे हों या कितने वाइंडिंग मतलब कितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले हों सो नॉ लेट दे कैन नॉट चूज तो हो सकता है कुछ जल्दी से भटक जाते हैं कुछ लेट भटक जाते हैं लेकिन आप चूज़ नहीं कर पाते आपको कहाँ जाना है तो यहाँ पे पोएट ने जो स्लीप है उसको किससे कंपेयर किया है एक अनफैथमेबल फॉरेस्ट से कंपेयर किया है एक बहुत ही घना जो अनएक्सपेक्टेड है जहाँ पता नहीं क्या होगा उस फॉरेस्ट से कंपेयर किया है जो कि एक बहुत डीप फॉरेस्ट है और जहाँ पे हर कोई अपना रास्ता भटक जाता है चाहे वो स्ट्रेट रोड हो चाहे वो ट्विस्टेड

और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक मतलब कि जो मतलब आपको बहुत ही प्यार से देखता हो दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ मतलब कि ऐसी कोई बुक नहीं है जब मुझे नींद आ रही है तब मेरी आंखें बंद हो जाएगी क्या मैं उसके बाद कोई पढ़ कुछ भी पढ़ सकता हूँ नहीं क्या उसके बाद मुझे मम्मा दिखेगी या पापा दिखेंगे या मेरे फ्रेंड्स दिखेंगे नहीं मुझे अपनी फैमिली दिखेगी नहीं क्योंकि मैं सो चुका रहूंगा राइट right, तो जब मैं सो चुका हूं तो अब वो कितनी भी अमेजिंग बुक हो मुझे नहीं पता वो कितना भी डियरेस्ट फेस का लुक हो मैं अब वो नहीं देख पाऊंगा टू गो इन टू द अननोन और अब इस अनोन में एंटर करने के लिए आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन आई नो नॉट हाउ और अब ये जो एक अनोन सा वर्ल्ड है अनोन सा वर्ल्ड क्या है स्लीप है गो इन टू द अननोन आई मस्ट एंटर एंड लीव अ और इस अनोन से फॉरेस्ट में अंदर जाने के लिए अब मुझे निकलना पड़ेगा और मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा आई नो नॉट हाउ मुझे नहीं पता ये कैसे होता है लेकिन मैं चला जाता हूँ। तो गाइज दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पोम रिटन बाई एडवर्ड थॉमस एडवर्ड थॉमस की ये जो पोम है ये लिटरली बहुत अमेजिंग है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंपेरिजन्स हैं तो अगर इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो जो नींद होती है वो कैसी होती है एक बहुत ही डीप घने फॉरेस्ट जैसी होती है जहाँ जाके हर कोई अपना रास्ता भटक जाता है चाहे वो कोई भी रोड चूज करे उसको नहीं पता कहाँ जाना है उसकी चॉइस नहीं होती उसके उसके बस में कुछ नहीं होता और जब हमें नींद आती है तो चाहे अच्छी से अच्छी बुक हो या हमारे कितने भी डियरेस्ट बंदे का मतलब डियरेस्ट फैमिली मेम्बर का डियरेस्ट फ्रेंड का फ़ेस हो हमें अपनी आँखें बंद करनी ही पड़ती है और उस वक्त जो है हम मतलब हमें हर किसी से दूर जाना पड़ता है और हमें जिस एक अननोन से वर्ल्ड में एंटर करते हैं हमें नहीं पता क्या होता है कैसे होता है हम कैसे वहाँ जाते हैं लेकिन हम उस ड्रीम के अननोन वर्ल्ड में पहुँच ही जाते हैं सो गाइज दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पोम एंड ऑन दिस नॉट वी आर डन विद द रीडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स सो वॉट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप अब हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं स्लीप के बारे में तो स्लीप से हमको क्या एडवांटेज मिलता है मतलब स्लीप से हमें क्या बेनिफिट मिलता है कौन सा बेनिफिट मिलता है एक तो हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है एक्टिव हो जाती है जितना भी फटीग होता है बिकॉज ऑफ द इंटायर डे एक्टिविटीज जो भी हमने पूरी एक्टिविटीज़ की है उससे जो फटीग हो जाता है जो टायर्डनेस हो जाती है उसे हम रिकवर कर जाते हैं राइट हमारा जो ब्रेन होता है वो वापस उतना अलर्ट और एक्टिव हो जाता है हमारी बॉडी पूरी रेजिवरेट हो जाती है एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट आर आंसर क्योंकि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं हमें ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही ईजिली हो जाएंगे हमसे सो लेट स्टार्ट द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप सबसे ज्यादा ऑब्वियस मतलब क्लियर एडवांटेज क्या है स्लीप का इज दैट इट गिव्स रेस्ट टू आर टायर्ड बॉडी वो क्या करता है स्लीप का जो मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज है वो हमारी टायर्ड बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड करता है इट हेल्प्स अस इन रिलैक्सिंग आर माइंड अब ये क्या करता है हमारे माइंड को रिलैक्स कर देता है तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट

ओके okay, तो इस आंसर में हम क्या लिखेंगे द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेजेस दैट हमारी बॉडी को जो हमारी टायर्ड बॉडी होता है उसको रेस्ट मिल जाता है हमारी माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है हमारी माइंड रिलैक्स हो जाता है और हमारी बॉडी वापस से अलर्ट और एक्टिव हो जाती है सो दैट इज आवर फर्स्ट आंसर नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट हैपन्स टू आवर बॉडी वेन वी स्लीप क्या होता है हमारी बॉडी में जब हम सो रहे होते हैं क्या होता है उस वक्त हमारी बॉडी में जब हम सो रहे हैं तो क्या क्या होता है हमारा माइंड हमारा जो ब्रेन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है टेम्परेचर लो हो जाता है हार्ट बीट हमारी जो है वो भी स्लो हो जाती है और क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है तो अब हम देखते हैं ड्यूरिंग स्लीप द मसल्स ऑफ आर बॉडी बिकम रिलैक्सड पहला पॉइंट क्या हो गया जो हमारे मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं पहला पॉइंट हो गया मसल्स के बारे में आज हार्ट बीट बिकम स्लो हार्ट बीट स्लो हो जाती है हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर और जो ब्लड प्रेशर होता है वो नीचे चला जाता है तो हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर नीचे चला जाता है हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है और हमारी हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाती है कुल सो वी आर डन विद दिस दिस इज अ वेरी इजी आंसर एंड वी आर गोइंग टू मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स अब इसमें जो है ड्रीम क्या होता है तो इसमें ड्रीम क्या होता है ड्रीम इज एन एक्टिविटी इसमें ड्रीम का डी कैपिटल होना चाहिए बिकॉज वी आर वी आर वी हैव स्टार्टेड आर सेंटेंस फ्रॉम देट ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अ स्लीप ड्रीम क्या होता है ड्रीम एक एक्टिविटी होती है हमारे माइंड की जो कब होती है जब हम सो रहे होते हैं अब इसको आप, आप और भी एक्सप्रेस कर सकते हो दैट ड्रीम्स आर लाइक ब्यूटिफुल थिंग्स और ड्रीम्स आर द यू नो अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ द माइंड और एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड वेन वी आर अनकॉन्शियस एंड इट कैन टेल एस अलॉट अबाउट वॉट वी आर फीलिंग एंड वट फेज वी आर गोइंग थ्रू इट कैन प्रोवाइड अलॉट ऑफ सोल्यूशन टू अस बट इट डजेंट टेल एस आर फ्यूचर तो आप इस बारे में अगर जैसे ज़्यादा मार्क का आता है ये क्वेश्चन तो हमने जो जो डिस्कस किया था आप सब लिख के आ सकते हो ओके okay? चलिए हम आगे बढ़ते हैं Why are dreams important? Mention two reasons. अब ये ड्रीम्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं अगर जैसे पहले वाला क्वेश्चन आया और ज्यादा मार्क्स का आया तो अपन ये भी लिख के आ सकते हैं उसी में इसको क्लब कर देना ओके okay? सो so, अब ड्रीम्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं ड्रीम्स आर important फॉर reasons. अब ये दो reasons बताए हैं हमने पहला कि हमको ना ड्रीम्स की हेल्प से बहुत ज्यादा नॉइस और distractions में भी अच्छी साउंड स्लीप मिल जाती है दे हेल्प अस टू स्लीप थ्रू स्लीप थ्रू मतलब बहुत ज्यादा नॉइसेस और डिस्ट्रैक्शन में भी हमें अच्छी स्लीप मिल जाती है सेकेंड पॉइंट क्या है समाइम्स दे प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू आर सर्टन मेंटल प्रॉब्लम्स कभी कभी जैसे हमारी यू you नो know, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर देते हैं हमारी लाइफ में जो चल रहा होता है उसका हमें सोल्यूशन मिल जाता है हमारे सपनों के थ्रू सो so, पहला पॉइंट क्या हो गया वो हमको एक बहुत ही नॉइज और डिस्टरबेंसेस में भी अच्छी स्लीप में हेल्प करते हैं सो दे हेल्प अस टू स्लीप नॉइजेस एंड डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंसेस दूसरा क्या है दे प्रोवाइड अस सॉल्यूशंस टू अ सर्टन मेंटल प्रॉब्लम्स अगर हमारी कोई मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही होती है तो वह हमको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं सो so, ये हमारे दो पॉइंट्स हैं आगे बढ़ते हैं हम वाई हैज स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर स्लीप को वंडर क्यों कहा गया है ये इतनी अमेजिंग चीज़ क्यों होती है बहुत सारे रीजन्स हैं स्लीप को हम वंडर कहते हैं बिकॉज नोबडी नोज फॉर सर्टन व्हाट ब्रिंग्स अबाउट स्लीप किसी को नहीं पता कि ये स्लीप होता क्या है मतलब ये जो स्लीप होता है ये आता कैसे है हम कैसे इतने आराम से सो जाते हैं हमारा बॉडी उस वक्त कैसे रिलैक्स हो जाता है हमारा ब्रेन उस वक्त कैसे स्लो हो जाता है हमें पता है ये सब होता है लेकिन क्यों होता है कैसे होता है वो हमें नहीं पता सो नोबडी नोज फॉर सर्टन वॉट ब्रिंग्स अबाउट स्लीप किसी को पता ही नहीं है ये चीज़ सेकेंडली Transports us to a strange land. ये जो ड्रीम लैंड होता है तो ये हमको ट्रांसपोर्ट कर देता है मतलब हमें पहुंचा देता है एक बहुत ही से लैंड में जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता ड्रीम लैंड के बारे में कुछ पता है क्या सिर्फ वो ना फे टेल्स में ही पता होता है लेकिन एक्चुअली में कुछ पता है नहीं तो ये हमको एक स्ट्रेंज लैंड में पहुंचा देता है इट इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड सोना कितना अच्छा लगता है एक छोटे से बच्चे को भी सोते हुए देखो तो बड़ा अच्छा लगता है तो इट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड ओके और बहुत सारे लोगों के लिए तो ये जन्नत है इट इज अ सॉर्ट ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी कभी कभी होता है ना हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जब कुछ समझ में नहीं आता कि सॉल्व कैसे करना है तो हम सोचते हैं काम करो छोड़ो जाके सो जाते हैं मतलब थोड़ी देर के लिए कम से कम कुछ याद तो नहीं रहेगा थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी देर के लिए हटेंगी तो अपने दिमाग से सो इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी मतलब आपकी रियल में जो भी प्रॉब्लम्स चलती है उससे कट लो गुड स्लीप इज ऑफन कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द ऑप्टीमल ग्रोथ ऑफ फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ये जो छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो आठ आठ नौ नौ घंटे सोते हैं दस दस घंटे सोते हैं जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आपकी नींद की आवर्स कम होते जाते हैं क्योंकि नींद जब आप सो रहे होते हो तभी आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली जो आपका पूरा जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है जब आप सो रहे होते हो इसीलिए एक छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए तो वो सबसे ज़्यादा सोता है लेकिन जैसे ही आप ओल्ड एज वालों को देखोगे आपके ग्रैंड और ग्रैंड को देखोगे वो लोग बहुत कम सोते हैं क्योंकि उनका डेवलप पूरा हो चुका है अब वो वो जो सो रहे हैं वो सिर्फ अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए सो रहे हैं इसीलिए उनको उतनी नींद की जरूरत ही नहीं होती है तो स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी जो फिजिकल मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, ये भी आपका एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया है सो दैट इज वाई योर स्लीप इज कॉल्ड एज अ वन ड वाई बिकॉज किसी को नहीं पता कि वट ड्रिंक स्लीप मतलब क्यों होता क्यों है कैसे होता है सेकेंड ये हमको एक बहुत ही स्ट्रेंज लाइन में ट्रांसपोर्ट uh, कर देता है ये एक बहुत ही स्वीट चीज होती है और इट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एस्केप फ्रॉम रियालिटी हमें रियालिटी से भागने का मौका मिल जाता है एंड देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग नहीं एनी एनी लिविंग पर्सन और एनिमल डैट्स इट so that was our answer and now we are going to to see the the last question. Dream, describe briefly to the class an improbable dream you have ever had. तो अब पे आपको क्या बताना है एक इम्प्रोबेबल ड्रीम बताना है इम्प्रोबेबल ड्रीम का मतलब कि जो पॉसिबल ही नहीं है हो ही नहीं सकता जो तो यहाँ पे अब जो आप ड्रीम बताओगे ना तो कोई अमेजिंग सा ड्रीम बताना हाँ कि कुछ जैसे कि आप किसी फेरी लैंड में चले गए थे या आप थेनोस से मिल के आए था। तो थेनोस से आपने जितने भी जो उसके जो वडियो को वो कॉल दें जेम्स जो थे वो आपको सारे वापस मिल गए या फिर मे बी आप कोई स्नैक स्नैक के साथ बात कर रहे थे जस्ट लाइक हैरी पॉटर में होता है आप कोई विच या विजर्ट बन गए थे ऐसा कभी हुआ था आपके साथ कि आप कोई विच या विजर्ट बन गए हो तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप वो भी बता सकते हो तो ये तो टोटली आपको करना पड़ेगा अपना कोई इंटरेस्टिंग सा ड्रीम बताना ठीक है तो जैसे मुझे पता है जब मैं द एंड गेम देख के आई थी ठीक है तो वो जो मावल जो आपकी जो मेन लीड है तो उसकी जगह मेरे मेरे ही हाथ में भी एक कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड भी थी मेरे पास एक था वो जो आ, हल्क होता है ना उसके भी पावर्स थे लेडी हल्क भी हो चुकी थी और वो कौन है अपना थॉ उसका हैमर भी था सब था मेरे साथ एक ऑलमोस्ट लाइक like दुर्गा मा इन मार्वल एवेंजर अवतार और मुझे लग रहा था बस अब मैं कहाँ जा रही हूँ मैं दुनिया जीतने जा रही हूँ मैं दुनिया को प्रोटेक्ट करने जा रही हूँ लेकिन जब सुबह उठी तो ऐसा तो कुछ नहीं हो पाया मेरे साथ ड करना था काम करना था एंड अ फुल स्टॉप एंड दैट इज इट सो तुम्हारे साथ अगर कोई तुमने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ड्रीम देखा है विच इज इम्प्रोबेबल तो यू हैव टू टेल मी एंड दैट इज इट एंड वी आर डन सो गाइज थैंक यू सो मच प्रे बिफोर यू स्लीप सो दैट यू गेट रियली गुड एंड इंटरेस्टिंग ड्रीम्स एंड शेयर योर ड्रीम्स विद मी इम्प्रोबेबल ड्रीम्स एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद 8th chapter. Thank you so much. Take care. Bye bye.